हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमें फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करने हैं, है ना। यानी हमने क्या क्या पढ़ लिया था, नागरिकता पढ़ लिया था और इंडिया एटसेट्रेटरी, यानी पार्ट फर्स्ट और सेकंड, जो कि पार्ट थर्ड पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या और ये कैसे हैं, तो इनके बारे में ज़रा थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हम FRS लिखेंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार लिख देते हैं, मौलिक अधिकार। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, जो अधिकार हैं ये USA से। कहाँ से? ये USA से, USA से, ठीक है। ये पार्ट थ्री, यानी भाग तीन, पार्ट थ्री। और इनका ये आर्टिकल 12 टू, यानी आर्टिकल 12 टू 35, 12 टू 35। तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल्स राइट्स, इनमें इनका उल्लेख है, ओके। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मौलिक अधिकार, ये मौलिक लिखा है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के, किसके, व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए लिख देते हैं, किसी व्यक्ति के भौतिक भौतिक और नैतिक विकास के लिए, भौतिक और नैतिक विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से बेसिक्स राइट्स होते हैं, ठीक है ना, ये फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल इसी वजह से तो नाम है ना। तो मौलिक अधिकार एक मूल अधिकार होते हैं, किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, भौतिक और नैतिक डेवलपमेंट के लिए ये क्या होते हैं, अनिवार्य रूप से जरूरी होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें, तो मौलिक अधिकारों को संविधान में संरक्षण दिया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, मौलिक अधिकारों को जो भारत के संविधान में संरक्षण दिया गया है। हम देखेंगे कि अगर किसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स का, अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वॉयलेशन होता है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, जो कि हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ 226, यानी अनुच्छेद 226 के अनुसार कहाँ जा सकते हैं आप, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर वॉयलेशन होता है, तो इन दोनों आर्टिकल के तहत आप क्या कर सकते हैं, पिटीशन वहां देंगे, तो वो रिट जारी करते हैं, ठीक है ना। जो हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट, तो क्या करेगा, रिट जारी करेगा, और उस जो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, उस वॉयलेशन को इस रिट के माध्यम से रोका जा सकेगा। तो आपने यहां तक देखा, मैंने बताया कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कि कोई भी व्यक्ति है, उसके भौतिक और नैतिक जो डेवलपमेंट के लिए क्या है, जरूरी है, अनिवार्य है। देखिए, अगर हम भारत में अधिकारों की बात करते हैं, तो भारत में प्रॉपरली चार अधिकार हैं, ठीक है। हालांकि जो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और सांविधिक अधिकार, ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और सांविधिक अधिकार, तो ये तो तीन हैं ही, लेकिन जो चौथा है मानव अधिकार, ये हर जगह प्राप्त होता है। मानव होने के नाते देश विदेश के हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को क्या है, प्राप्त होता है। तो जो अधिकार हैं, अगर हम अधिकारों की बात करते हैं, तो मैंने बताया कि भैया जो अधिकार है, अधिकार ये चार प्रकार का होता है। उन चार प्रकार में हम देखेंगे कि जो पहला अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं, जरा इन पे नजर डाल लो, आपके मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, देखिए ये वे अधिकार होते हैं जो भारत के संविधान में पार्ट थ्री के अंदर क्या है, उल्लिखित हैं, पार्ट थ्री के अंदर उल्लिखित हैं, उन अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। भारत के संविधान में, जो भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में पार्ट थ्री में, भारत के संविधान में पार्ट थ्री के अंदर है, उनको मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। जो दूसरे अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार, क्या है, संवैधानिक अधिकार, जरा इसे देख लीजिए कि संविधान, ये संविधिक नहीं लिख रहा हूँ मैं, संवैधानिक, संविधिक भी बताऊंगा, है ना, संवैधानिक अधिकार। ये संवैधानिक अधिकार पे जरा आप एक बार नजर डाल दो, संवैधानिक है ये, है ना, संवैधानिक अधिकार, ओके। तो ये संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, देखिए अगर हम संवैधानिक अधिकारों की बात करें, तो ये पार्ट थ्री के बाहर, संविधान में पार्ट थ्री के बाहर जो अधिकार है,
संविधान में पार्ट 3 के बाहर एक जितने भी जो संविधान में अगर पार्ट 3 को छोड़ दिया जाए जितने भी राइट्स हैं वे सभी संवैधानिक अधिकार हैं और वो सभी क्या हैं संवैधानिक अधिकार हैं और ये मूल संविधान में इनका उल्लेख किया गया था। किसमें? मूल संविधान में इनका उल्लेख किया गया था। इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं, इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं। मुझे पता है आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, दोबारा से सुनिएगा। मैंने संवैधानिक लिखा है, थोड़ा सा एक बार यहाँ लिख देता हूँ, संवैधानिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये वे अधिकार हैं जो पार्ट 3 से कहाँ है, पार्ट 3 से क्या है, बाहर है। साथ ही साथ पार्ट 3 से बाहर होने के बाद ये मूल संविधान में शामिल किए गए थे, ठीक है, जो मूल संविधान जब हमारा बना। इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं। हमारा जो तीसरा राइट्स है, तीसरे राइट्स को क्या कहते हैं, तीसरा राइट्स है हमारा क्या है, संविधिक। ध्यान रखिएगा ये संविधिक है, लीगल राइट्स है, कानूनी या विधिक भी बोलते हैं, संविधिक या फिर विधिक या फिर कानूनी, का नूनी। ये होता क्या है भाई, जरा इसके बारे में देख लो। ये जो संविधिक अधिकार हैं, ये क्या हैं, जो संविधिक अधिकार हैं, अगर हम संविधिक अधिकारों की बात करते हैं, क्या करें, अगर हम इन संविधिक अधिकारों की बात करते हैं, जो लीगल राइट्स हैं, जो विधिक अधिकार हैं, ये वे अधिकार होते हैं जब हमारी असेंबली या हमारा पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन करके या किसी भी माध्यम से लाया जाता है, इनको लीगल राइट्स या सांविधिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सांविधिक अधिकार। तो आपने ये तीनों अधिकार तो देखे, लेकिन एक चौथा अधिकार होता है मानव अधिकार, और मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव होने के नाते, ध्यान रखिएगा, मानव होने के नाते ये हर किसी को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? ये हर किसी को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपने जो लास्ट है इसे भी लिख देता हूं, मानव अधिकार, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अगर ध्यान रखिएगा, जैसे कि जीने का अधिकार, ध्यान रखिएगा, जैसे गरिमापूर्ण जीने का अधिकार, ये मानवाधिकार के अंतर्गत आता है, और ये हर एक व्यक्ति को दुनिया के प्राप्त होता है कि वह गरिमामय, मानव होने के नाते गरिमामय जीवन क्या कर सके, व्यतीत कर सके, ठीक है। वही जो कि ऊपर के तीन अधिकार मैंने बताया, तो जैसे कि वोट देने का अधिकार लीगल राइट्स है, IAS की परीक्षा में बैठने का अधिकार, ये भी आपका लीगल राइट्स है, और जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में जैसे अनटचेबिलिटी खत्म करना, हम सारे अधिकार डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये सभी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि मानव अधिकार मैंने बताया मानव होने के नाते, जैसे कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये सब क्या कहलाते हैं, ये मानव अधिकार कहलाते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों में थोड़ा सा डिफरेंट देख लीजिए कि मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों में क्या डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे देख लीजिए, मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों में अंतर। देखिए मौलिक अधिकार भारत के सभी, अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार अगर हम बात करें तो ये अन्य अधिकारों से कैसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसमें संविधान को, मौलिक अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण होता है, इनका क्या होता है, विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। अगर इनका वायलेशन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार एक प्रकार के स्पेशल राइट्स हैं और इन्हें संरक्षण प्राप्त है, अगर किसी प्रकार का वायलेशन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ये संरक्षण तीन प्रकार का होता है, कि कैसे तीन प्रकार का होता है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई व्यक्ति सीधे, ध्यान रखिएगा, अगर मैंने बताया कि ये कैसे दूसरे अधिकारों से, अन्य अधिकारों से अलग है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को क्या है, संरक्षण प्राप्त है, क्या है, एक विशेष संरक्षण प्राप्त है। अगर इनको तीन प्रकार का संरक्षण प्राप्त है, तो पहले प्रकार का संरक्षण भाई क्या है, कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्या है, सीधे वो सुप्रीम कोर्ट वॉक कर सकता है। आर्टिकल 32 आपको ये राइट्स देता है,
ये आर्टिकल 32 कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अन्यथा आपको पता होगा जबकि मैं ज्यूडिशरी बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन हाँ अगर आपके जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं आप देखोगे कि इन इसके साथ साथ इसमें जो संरक्षण जो इसमें से तीन प्रकार का है, तो मैंने ये बताया आर्टिकल 32 के थ्रू आप कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहीं मौलिक अधिकार का जो संशोधन है वो विशेष बहुमत से किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से किया जाता है, और ये भी एक प्रकार का संरक्षण ही है। ये क्या है, एक प्रकार का संरक्षण है, क्यों, क्योंकि इसमें अगर संशोधन होता है, अगर इसमें संशोधन होगा तो किससे, एक विशेष मतलब एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत के साथ इसमें क्या होगा संशोधन किया जाएगा। तो ये भी तो है कि पता चले कि सरकार है, और मैं बताऊंगा कि अभी सरकार आपको एक चीज ये बहुत बेहतर है और कहीं कहीं भी स्टेटमेंट से में पूछा जा सकता है, जो मौलिक अधिकार हैं ये राज्यों के विरुद्ध हैं, मतलब ये स्टेट के विरुद्ध हैं, ठीक है, और कुछ जगह ये व्यक्ति और स्टेट दोनों के विरुद्ध हैं। तो अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार के अगर सरकार ही वायलेशन करे, राज्य ही वायलेशन करे, देखिए राज्य जो है स्टेट अगर हम बात करें तो सरकार क्या है, गवर्नमेंट, जो स्टेट का गवर्नमेंट एक एजेंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट एजेंट है किसका, सरकार का, सॉरी राज्य का, स्टेट का, स्टेट यहाँ देश से है, तो अगर यही चाहे वो वायलेशन करने लगे तो इसको स्पेशल मेजोरिटी है के साथ संशोधन किया जाता है, ये भी एक प्रकार का संरक्षण है। वहीं जो जो तीसरा है, तो इसमें आप देखिए कि विशेष परिस्थितियों में इनका जो निलंबन है वो केवल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, इनका निलंबन ऐसे नहीं है ना यास नहीं किया जा सकता, कुछ विशेष परिस्थितियां जब पनपेंगी तभी इनका निलंबन क्या है संभव है। तो आपने ये देखा, और मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं देख लीजिए, मैंने ये भी बताया कि आप अगर हाईकोर्ट भी डायरेक्ट 226 के अनुसार क्या है, हाईकोर्ट भी अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली जा सकते हैं अगर वायलेशन होता है। तो आपने यहां तक तो देखा, अब थोड़ी से इनकी कुछ विशेषताएं देख लीजिए कि क्यों ये थोड़ी स्पेशल क्यों है, ठीक है। तो अगर हम विशेषताओं की बात करें तो देखिए मौलिक अधिकार लिख लेते हैं ना, जो मौलिक अधिकार लिख लीजिएगा आप भी कहीं पे, ध्यान रखिएगा बार बार बोल रहा हूं, मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है, असीमित, असीमित, अभी सभी सभी वर्ड समझाऊंगा, असीमित या निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट, निरपेक्ष नहीं है, क्या है ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये चलो ठीक है बहुत संरक्षण इन्हें बेशक इन्हें संरक्षण प्राप्त है हमारे भारत के संविधान में, ठीक है, और इसको स्पेशल मेजोरिटी से ही बदला जा सकता है, लेकिन फिर भी ये असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, पता चले कि आप ये हमारा मौलिक अधिकार है और हम कुछ भी करें तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें सीमाएं, इसमें लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, ये क्या है असीमित नहीं है, साथ ही साथ निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट का मतलब, ठीक है, कि पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, कि अब इसमें कोई जोड़ने की कोई चीज बदलने की संभावना नहीं है, तो ये भी ये निरपेक्ष नहीं है, नहीं एब्सोल्यूट नहीं है, ना ही ये अनलिमिटेड है और ना ही ये क्या है एब्सोल्यूट है, मतलब इसमें लिमिटेशंस भी लगाई जा सकते हैं और इसमें चेंजेबल भी है, ठीक है। तो ये इसका पहला करैक्टर है, साथ ही साथ आपने पहला करैक्टर आपने देखा, जो दूसरा करैक्टर इसका क्या है, ये प्रवर्तनीय है, ध्यान रखिएगा ये क्या है प्रवर्तनीय है, इनफोर्सेबल है, प्रवर्तनीय, अभी इसको भी मैं समझा देता हूँ कि भैया प्रवर्तनीय क्या है, ये प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या, देखिए जैसे कि अगर मैं बोला कि प्रवर्तनीय है, अगर किसी प्रकार से इनका वायलेशन होता है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो मान लीजिए कि अगर इनको रिमूव कर दिया गया या फिर किसी भी फंडामेंटल राइट्स को लागू नहीं किया जा रहा है, तो आप न्यायालय जाके उसको लागू करवाना, प्रवर्तनीय का मतलब है कि बाध्यकारी होना, क्या होना बाध्यकारी होना, न्यायालय जाके आप उसको निश्चित तौर से लागू करवा सकते हैं
बाध्यकारी करवा सकते हैं। प्रवर्तनी का मतलब है, मतलब ये इन्फोर्सेबल है। क्या है? इन्फोर्सेबल है। अगर किसी भी प्रकार से वॉयलेशन कोई भी अगर कोई व्यक्ति करता है या फिर कोई राज्य या गवर्नमेंट कुछ भी कोई भी करता है तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करके उसको इन्फोर्स करेगा, इन्फोर्सेबल बनाएगा, यानी प्रवर्तनी अगर वो लागू नहीं होता या किसी प्रकार से वॉयलेशन होता है। ठीक है, तो एक इसका ये स्पेशल करेक्टर है। अगेन मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है नकारात्मक है, जो मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है ये क्या है, नकारात्मक है, नकारात्मक है। नकारात्मक कैसे, अभी मैं बताऊंगा। जैसे कि इसमें कई ऐसी चीजें हैं कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता। अब नकारात्मक देखिएगा कि जैसे कि अगर हम बात करें तो धर्म मूल वंश, अभी जब आर्टिकल 15 पढ़ेंगे ना तो धर्म जाति मूल वंश इन सभी आधारों पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ना। क्या है? नकारात्मक है। तो इनका स्वरूप कुछ का तो क्या है, नकारात्मक है। ये सभी करेक्टर हैं, ये सभी विशेषताएं हैं, ये आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकती है। ध्यान रखिएगा, मैं बार-बार बोल रहा हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं। मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें बताता चलूंगा जो आपको इसमें से क्या है जरूरी है। ठीक है, अगला करेक्टर क्या है कि कुछ मौलिक अधिकार, ध्यान रखिएगा, जो कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो मात्र भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है कि वो जैसे कि आर्टिकल 19, ठीक है ना, आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 मात्र भारतीयों को ही प्राप्त है, बल्कि ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, बल्कि कुछ फंडामेंटल राइट्स भारतीय और विदेशियों को दोनों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्टर्स हैं। अगर हम बात करें तो जो कि मैंने बताया कि भैया जो कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये राज्य सरकार के क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं, जबकि कुछ फंडामेंटल राइट्स राज्य और व्यक्ति दोनों के क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं। तो आपने यहां तक इसके क्या देखे, करेक्टर्स देखे, इसकी कुछ गुण देखे। अब हम देखेंगे कि अगला इसमें क्या आता है, जो भारत का देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे, कितने, 7 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार थे, लेकिन इसमें संशोधन करते हुए 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ध्यान रखिएगा क्या है, अब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वहीं 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में और शिक्षा का अधिकार क्या है, 21 के अंतर्गत 21 ए बनाया गया, क्या है, 21 ए बनाया गया। ये जो शिक्षा का अधिकार है ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, जोड़ा गया। तो वर्तमान में अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार हैं जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये कौन कौन है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, कितने, 6 प्रकार के, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 6 प्रकार के क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, 6 प्रकार के। पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, पहला क्या है, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 टू 18, है ना, 18 है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 9 टू 22, आर्टिकल 9 टू 22, ठीक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या है, ये कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 23 एंड 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की क्या करता है, बात करता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये भी तो जरूरी है ना, धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार, इनको डिटेल से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है, बस ये बता रहा हूँ कि जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, ठीक है। और इस बार आपको पता है कि यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, है ना, डायरेक्टली, बल्कि अंदर जाके नहीं क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इनसे डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर जाके बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28, ठीक है। जो पांचवा है, पांचवा शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक क्या है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार 29 to 30, ठीक है। लास्ट नंबर 6, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। तो ये तो आपके रहे क्या है, फंडामेंटल राइट्स। अब इनका डिटेल डिस्कशन हम शुरू करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, मैंने बताया कि भाई ये पार्ट थ्री, इसमें पार्ट थ्री में आर्टिकल 12 to 35, और ये कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिए गए, ठीक है। यहाँ तक आपने इन सारी चीज़ों को देखा। अब देखिए, सभी स्टेट सिविल सर्विस के लिए, साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम्स और सभी वन डे एग्जाम्स के लिए, इन एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशियंट है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि भाई ये जो अब हम बहुत कॉम्प्रहेंसिवली देखते हैं, सॉरी, आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12, ये जो आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 यानी राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भाई क्या है, जो आर्टिकल 12 है, राज्य की परिभाषा, इसमें आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा की बात करी गई है, तो इसमें क्या क्या आएगा कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या कौन सी चीजें सम्मिलित होंगी, ठीक है। तो जरा देखते हैं, केंद्र की और केंद्र की संसद और सरकार, यानी केंद्र की संसद, ये सभी चीजें शामिल होंगी, ध्यान रखिएगा, केंद्र की संसद और सरकार, संसद और सरकार, और सरकार, अगर इनकी बात होगी तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। वहीं प्रांत का विधानमंडल और सरकार, ध्यान रखिएगा ये भी, प्रांत का विधानमंडल, सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है, विधानमंडल, विधानमंडल और सरकार, ठीक है। अगला है स्थानीय संस्थाएं, लोकल इंस्टीट्यूशन, स्थानीय, स्थानीय संस्थाएं, लोकल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि पंचायत, पंचायत, जिला बोर्ड, जिला बोर्ड, नगर पालिका, नगर पालिका एक्सेट्रा। और अगला इसी में आ जाएंगी जो भी सरकारी कंपनी होंगी, जैसे गेल वेल, है ना, सरकारी कंपनी, जैसे गेल भेल एक्सेट्रा। तो ये सभी चीजें अगर इनकी बात होगी तो ये आर्टिकल कितना, 12 के अंतर्गत आएंगी, ये राज्य की परिभाषा, ये किसके अंतर्गत, आर्टिकल 12 के अंतर्गत, ये इसमें से राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आपने यहां तक तो चीजों को क्या किया, देखा, ओके। अब आर्टिकल 13 क्या है, देखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें डिटेल पढ़ते जाइएगा, डिटेल, इसी वजह से मैंने बताया कि भाई अगर आर्टिकल 12 की बात होगी तो राज्य की परिभाषा की बात होगी, और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत केंद्र की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है और सरकार है, उसकी सब इसी के अंतर्गत आएगा। वहीं प्रांत का जो विधानमंडल और सरकार है वो भी इसी के अंतर्गत आएंगी, और स्थानीय जो लोकल लेवल की संस्थाएं हैं, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था, जिला बोर्ड, जिला और नगर पालिका, सरकारी जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट क्या है, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो सभी इनके अंतर्गत आएंगे, ओके।
इसके बाद हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 13 ये क्या कहता है। तो जरा आर्टिकल 13 को हम देख लेते हैं कि भाई ये क्या बोलता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। आर्टिकल 13 देखिए, मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित है। ये क्या है? मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित है। किससे? संशोधन से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित है। संशोधन से संबंधित है। इसमें का क्या कहा गया है भाई? संशोधन से मतलब क्या है कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है, कोई भी संसद के द्वारा या फिर किसी विधानमंडल के द्वारा अगर कोई भी लॉ फॉर्मुलेट किया जाता है, तो क्या अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन क्या किया करता है, तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। उसको क्या है? नल एंड वॉइड माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसको क्या है? नल एंड वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो चीज आपने क्या करी? देखी। अब आर्टिकल जो हमें देखना है, तो समानता का अधिकार को डिटेल थोड़ा सा हम देखते हैं। ओके, समानता का अधिकार क्या है जरा ये समानता का अधिकार देखिए। आज थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि इसे, है ना। तो समानता का अधिकार भाई, ये समानता का अधिकार क्या बोलता है? आर्टिकल 14 टू 18, है ना, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 टू 18 की अगर हम बात करें, समानता के अधिकार की बात करते हैं, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा, ये क्या बोलता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कानून या विधि के समक्ष समानता समक्ष है, ये ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समानता एवं कानूनों का समान संरक्षण। इसे डिटेल से समझाऊंगा, समान संरक्षण। ये बोलता क्या है? देखिए, कानून के समक्ष समता की बात करी गई है कि कानून या विधि के समक्ष समता मतलब क्या है? यह तो पहले यह जान लीजिए कि यह एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट है, यह नकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। क्या कह, कौन कह रहा है? आर्टिकल 14 कह रहा है कि हर एक व्यक्ति को क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को कानून या विधि के समक्ष समानता होगी। क्या होगी? विधि के समक्ष समानता होगी। ये एक नकारात्मक है, क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यह कहां से लिया गया है? यह भारत के जो प्रत्येक व्यक्ति को कानून या विधि के समक्ष समता है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वहीं ब्रिटेन के विचारक जो डाइसी हैं, ये कानून के शासन का सिद्धांत देते हैं, और उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है जो कानून या विधि के समक्ष समता की बात करी गई है। और संविधान, अब जो अगला है, तो इसमें अगर हम बात करें तो कुछ, देखिए इसमें से कुछ एक्सेप्शन, ऐसे भी बात नहीं है कि इसमें से, तो कुछ एक्सेप्शन क्या है उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन जो जनरली सामान्यतः बात करें तो किसी भी व्यक्ति को कानून या विधि के समक्ष इक्वेलिटी की बात होती है, समान की बात होती है, उससे परे नहीं है। अगर समान परिस्थितियों में सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, ना कि किसी को विशेषाधिकार होगा। इसमें से समानता के कुछ अपवाद कैसे हैं कि जैसे राष्ट्रपति समानता का क्या है, अपवाद है, वहीं राज्यपाल का पद भी, यह भी असमानता का अपवाद है, क्योंकि अपने दायित्वों का पूरा करने के लिए कुछ इनको निर्णय लेने होते हैं, और उन निर्णय के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनको कुछ क्या है, प्रिविलेजेस हैं, बेहतर चीजें, इनको ज्यादा अधिकार हैं।
और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि इन राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पद के दौरान, अपने पोस्ट के दौरान अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो आजीवन किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अब ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मात्र ध्यान रखिएगा, मैंने बताया ना विधि के समक्ष समता, लेकिन इनके लिए ये एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कलेक्टर है और अपनी जो जॉब के दौरान अगर कुछ गलत करता है, मान लो कुछ उसने सही किया लेकिन गलत हो गया, तो उस पे वो बकायदे जुडिशरी में सारा सब कुछ बुलाया जाएगा और मतलब उसमें केस होगा सारा सब कुछ, लेकिन वही राज्यपाल और प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से ये क्या है, कुछ इसके एक्सेप्शन है। वही राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामले में, अगर वह मामला आपराधिक मामले में किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती है, अगर वह मामला आपराधिक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर मामला आपराधिक है उसके कार्यकाल के दौरान, तो किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सॉरी, वहीं राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी मामले में 2 माह का नोटिस दिया जाएगा और 2 माह के नोटिस के उपरांत न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। कौन से, दीवानी मामले में, आपराधिक मामलों में कोई कार्यवाही नहीं होगी लेकिन दीवानी मामलों में कार्यवाही संभव है, ठीक है। वहीं भारत में और कुछ जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एमपी और एमएलए, तो सांसद और विधायकों को अनेक विशेषाधिकार मिले हैं। जैसे कि अगर विशेषाधिकार की बात करें तो भारत ने जो विदेशी कूटनीतिकों को भी कुछ विशेषाधिकार हैं, तो इनको अपनी कार्यवाही करने के दौरान इनको अगर किसी प्रकार का, इन्हें विशेषाधिकार ऑब्वियस है, तो इसमें से जो कानून या विधि के समक्ष समता, इसका वायलेशन हो सकता है, लेकिन इसका वायलेशन नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ये अपवाद है, ठीक है। अब अगला इसका देखेंगे, जो कानून अगर हम बात करें तो इसमें से क्या है, अगला कानूनों का समान संरक्षण, इसी में था ना, 2 पार्ट में आर्टिकल 14 को हमने 2 पार्ट में बांट कर देखा। 2 पार्ट कौन कौन सा, जरा एक बार में इसको हाईलाइट कर देता हूं, कि कानूनी या विधिक, अरे इसमें से कानूनी या विधिक क्या है, समानता का अधिकार है, ठीक है ना। वहीं दूसरा, कानूनों के जो कानूने के समान, कानूनों के समान समान संरक्षण है, ठीक है। तो यह एक सकारात्मक अवधारणा है, जो कानून के समान संरक्षण की बात करी जा रही है, समान संरक्षण की बात करी जा रही है, सकारात्मक। और देखिए वो नकारात्मक अवधारणा था, क्यों, क्योंकि किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, कुछ अपवादों को छोड़ के, लेकिन यह सकारात्मक अवधारणा है। अर्थात क्या, कि समान परिस्थितियों में कानूनों का तो समान समान रूप से क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उनमें कुछ क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। इसको अमेरिका से हमने क्या किया, इसको अमेरिका से लिया, और ये अनुपातिक समानता पर आधारित है। ये क्या है, अनुपातिक समानता पर आधारित है, मतलब समानों में समानता की बात करता है, समानों में समानता की बात की। अगर कोई व्यक्ति जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, डी है, तो ये जो एक व्यक्ति है इसके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन ये क्या है, अंडर प्रिविलेज्ड है, तो इन व्यक्तियों को सब्सिडी मिलेगी, तो ये इसे इनको नहीं मिलेगी, डी को, तो ये क्या है, कानूनों के समान समान संरक्षण, मतलब इसका उल्लंघन नहीं है। क्यों, क्योंकि समान परिस्थितियों में समान संरक्षण की बात करी गई है।